ऋषि सोनक जब से यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से भारत में यूके की कंपनियों ने लाइन लगा रखी है। अकेले 2023 की बात करें तो लगभग 4 कंपनियों ने भारत को अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफर की है। तो आज की वीडियो भी भारत और यूके से जुड़ी हुई है, जहां पर यूके की एक बहुत बड़ी पावर ट्रेन मैन्युफैक्चर कंपनी ने भारत को कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए पार्टनरशिप को साइन कर लिया है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक जरूर देखिएगा और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख के जाइएगा। तो बड़ी खबर यह है कि भारत के मुंबई बेस्ड कंपनी ग्रीव्स कॉटन ने यूके की कंपनी एटा ग्रीन पावर के साथ में एक पार्टनरशिप साइन कर ली है और इस पार्टनरशिप में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज यूके की कंपनी भारत को सौंप रही है जो आज भी भारत में चाइना से इंपोर्ट की जाती है। चाहे हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होने वाली पावरफुल डीसी मोटर्स हो, कंट्रोलर्स हो या फिर उनमें लगने वाली बैटरीज, ये सभी चीजें हम चाइना से बड़े स्केल पर इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यूके की इस कंपनी ने भारत को कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी है। और अगर हम बात करें इस भारतीय कंपनी के बारे में तो ये कंपनी पावर जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक साइकिल, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स इन सभी चीजों को भारत में बनाने का काम करती है, लेकिन कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च नहीं कर पा रही है क्योंकि वो एडवांस टेक्नोलॉजीज अभी हमारे पास नहीं थी। लेकिन इस डील के बाद भारत अब इंटरनेशनल मार्केट में अपने व्हीकल्स को उतारने वाला है, जहां भारतीय कंपनी ग्रीव्स मोटर ने रिसेंटली हुए ऑटो एक्सपो 2023 में अपने कई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी लॉन्च किया था और अब भारत में इन सभी व्हीकल्स का मास प्रोडक्शन हो सके जिसके लिए पार्टनरशिप साइन की गई है। और हुई इस पार्टनरशिप के बाद भारतीय कंपनी ग्रीव्स कॉटन औरंगाबाद के अंदर अपनी यूनिट के अंदर सभी प्रकार के पावर ट्रेन्स को बनाने का काम शुरू करेगी, जिसमें ना सिर्फ मोटर कंट्रोलर्स और बैटरीज को ही बनाया जाएगा बल्कि उन सभी छोटे और बड़े कंपोनेंट्स को भी तैयार किया जाएगा जिन्हें हम अलग अलग कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें शामिल है सेंसर्स, वायर्स, कंपोनेंट्स। ओवरऑल देखा जाए तो भारत और यूके की ये डील भारत को एक नई दिशा में आगे बढ़ाने वाली है, जिससे हमारी चाइनीज डिपेंडेंसी तो कम हो ही जाएगी बल्कि भारत में इन सभी चीजों का प्रोडक्शन लोकल लेवल पर शुरू हो जाएगा। और अब हमारे देश के ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक मोटर्स और कंट्रोलर्स देखने को मिलेंगे। तो भारत की इस बड़ी शुरुआत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।